गुड इवनिंग फ्रेंड्स, द लोकल जर्नलिस्ट लाइव में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद इकबाल हबीब। इस वक्त हम मौजूद हैं भुई क्लास शीतला मंदिर में और यहां पर एक महिला है जिनका नाम है सूर्या सिखा सर्किल उर्फ टूनी। उम्र है 50 साल के करीब। वो छठ पूजा 19 तारीख के दिन से मिसिंग हैं। आइए इस सिलसिले में जो घर के जो लोग हैं उनसे बात करते हैं और तमाम चीजें डिटेल्स में जानने की कोशिश करते हैं। हमारे सामने इस वक्त हैं सर, अपना नाम बताइए। मेरा नाम एसएन सारखेल है। एक सेकंड सर। सर अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम एसएन सारखेल है। हाँ, आपका सर जो महिला जिनका जो खो गई है सूर्या सिखा सर्किल टूनी, आपका उनसे क्या रिलेशन है सर? वो मेरा छोटा बहन है। छोटा बहन है। हाँ। वो आपके साथ रहती थी? हाँ, मेरे साथ नहीं, मेरे माँ के साथ रहती है, मेरे साथ रहता है। अच्छा। हम लोग एक ही साथ रहते हैं। आपका सर एड्रेस बताइए, पूरा एग्जैक्ट एड्रेस। 49/H5 कालमक सरोनी। हाँ, भूकैलास। भूकैलास बाहु बाजार शीतला मंदिर। शीतला मंदिर। सर क्या हुआ, मामला क्या हुआ वो बताइए डिटेल्स में। 19 तारीख को छठ पूजा के दिन वो शाम को 3:30 बजे दर्जा का सामने बैठी हुई थी। हाँ। वो थोड़ा डिप्रेशन में थी तो हम लोग सोचा चाहे बैठा है, फिर बच्चा लोग का साथ खेल रहा था। अचानक कुछ देर बाद देखा कि वो नहीं है। तो खून ढूंढने इधर उधर ढूंढना स्टार्ट किया, कहाँ गया, मैदान के तरफ, भूकैलास मैदान के तरफ गया, राजबाड़ी के तरफ गया, बाजार के तरफ गया, इधर आपका हरोवास मोड़ के तरफ गया। अच्छा। लेकिन कहीं उनको और मिला नहीं है। उतना थोड़े टाइम में वो कहाँ गायब हो गई, हाँ कुछ पता नहीं चला, जैसे कोई उठा के लेकर उसको चला गया ऐसा पता चला हो रहा है। हाँ, लेकिन किसी को तो हम देखे नहीं है, हम कैसे क्या करेंगे। फिर हम चारों तरफ ढूंढने लगे, जितने रिश्तेदार है, जितने दोस्त यार है, सबसे हम पता लगाए कहीं उनके पास गया कि नहीं। हाँ, लेकिन किसी का पास गया नहीं है। जी। मैंने 20 तारीख को बोलिए आप बोलते रहिए 20 तारीख को एसपीपी थाना में गया, एक नंबर थाना में। हाँ। जाके उधर डायरी किए। सर आप हमें थोड़ा फोटो दिखाएंगे आपकी बहन का? हाँ हाँ, थोड़ा ऑन करके बताइए सर। ये है उनका फोटो। ये जैसे कि आप देख सकते हैं ये है उनका फोटो जिनका नाम है सूर्या सिखा सर्किल उर्फ टूनी, इनका नाम है और इनका उम्र 50 साल के करीब है। सर आप जो पुलिस स्टेशन गए। हाँ। तो वहाँ पर कुछ कंप्लेन करवाए थे? हाँ, उनको डायरी दिए हैं, मिसिंग डायरी लिखाए हैं। हाँ, मिसिंग डायरी नंबर है आपका? थोड़ा डायरी नंबर दिखाइए हमें आप। हाँ, ये मिसिंग डायरी नंबर है, ये मिसिंग डायरी है। हाँ, आप सही से पकड़िए, उसको रख दीजिए, ये वाला दिखाइए। हाँ, ये मिसिंग डायरी है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं एसपीपीएस पुलिस स्टेशन में 20 तारीख के दिन ये कंप्लेन लॉन्च किया गया है, जीडी कराया गया है इनके द्वारा। कितने बजे के करीब सर जीडी कर? ये नौ दस बजे के अंदर हम जीडी कर लिए। 9-10 बजे। हाँ। वह मतलब मिसिंग हुई थी 19 तारीख को और आप जीडी करवाएं 20 तारीख। हाँ, क्योंकि हमको चारों तरफ रिश्तेदार इसको सब खबर उबर लेते सुबह हो गया, सारा रात हम वही किए और सुबह उठ के हम पुलिस स्टेशन गया, जाके डायरी लिखाया। हाँ, और उनसे रिक्वेस्ट किए कि कैसे भी इनको खोजने का बंदोबस्त किया जाए। हाँ, उन्होंने आश्वासन तो दिया, लेकिन मैंने उनको ये भी रिक्वेस्ट किया थे कि जल्द से जल्द वीडियो फुटेज लिया जाए, दिखा जाए। हमारा चारों तरफ वीडियो फुटेज भरा हुआ है, सीसीटीवी आपके एरिया में? हाँ, सीसीटीवी चारों तरफ रखा है। कहाँ पर है सर, थोड़ा हमको दिखाएंगे चल के बाहर? हाँ, ये हम दिखा रहे हैं। तो हम इस वक्त चल रहे हैं, सर जो है वो अपने घर से बाहर निकलते हैं और बता रहे हैं कि कहाँ पर हुआ था ये मामला, कैसे क्या पेश आया था। आइए तो वो इस तरफ आने लगा। अच्छा, इधर आया। हाँ, इधर आया, ये मंदिर का सामने आया, देखने लगा। अच्छा, लेकिन देख रहा था तो हम लोग फिर घर में वहाँ पीछे से खड़े होकर देख रहे थे। हाँ। उसके बाद हम अपना काम में जुट गए। हाँ। वो इधर ही था। अच्छा, लेकिन इधर से फिर वो कहाँ, उधर सीसीटीवी है सर। अच्छा, वो देखिए कहाँ पर? अच्छा, ये जो ऊपर में लगा हुआ है सीसीटीवी है यहाँ। हाँ। सीसीटीवी जैसा कि हम आपको दिखा दें कि यहाँ पर ये देखिए ये सीसीटीवी फुटेज यहाँ पर कैप्चर हो सकता है। और कहाँ पर है सर? और इधर सामने भी है, इधर है। हाँ,
इधर और एक सामने यहाँ पर भी है सीसीटीवी फुटेज। अच्छा ये भी है एक सीसीटीवी फुटेज, एरिया के मुंह के पास है, मोड़ के सामने है सर। हाँ, एक इधर है वो जो भी क्लास मैदान की तरफ जाता है वहाँ पर है। हाँ। तो सर उसके बाद फिर क्या हुआ, पुलिस स्टेशन गए तो फिर क्या हुआ, मामला क्या हुआ? फिर उनको रिक्वेस्ट किए उधर रफीकुल आलम बोल के हमारे इंचार्ज थे। हाँ, उन्होंने डायरी लिए, डायरी लेने का बाद बोले ठीक है हम लोग देख रहे हैं, हमारा हिसाब से देखेंगे। उनको रिक्वेस्ट किए सर जी फुटेज कम से कम जा चल के देख लीजिए तो पता चल जाएगा वो लड़की कहाँ गया। हाँ, हाँ। तो बोले मेरे हिसाब से हम देखेंगे, भाई तुम्हारा हिसाब से नहीं देखेंगे। अच्छा, हाँ, हम जाएंगे। अच्छा। हाँ, हम देख लेंगे। तो हम आप लोग जाइए। पुलिस फिर कब आई सर? निश्चिंत रहे आप जाइए। पुलिस कब आई इन्वेस्टिगेशन के लिए? इन्वेस्टिगेशन के लिए 22 को आई। 22 को आई मतलब आप मिसिंग 19, आप 20 को कंप्लेन किए, दो दिन बाद आई, 22 को आई, ऑलमोस्ट 3 दिन लगे। हाँ हाँ। उसके बाद पुलिस क्या बोली सर अभी तक? उसके बाद फुटेज भी नहीं, आके खाली देख के चला गया कौन एरिया से मिसिंग हुआ। हम जैसे आपको दिखा रहे हैं उनको भी खाए, लेकिन उन्होंने चला गया जाके सीसीटीवी फुटेज के लिए भेजा भी नहीं आदमी। फिर बहुत 10-15 बार उनको रिक्वेस्ट करने के बाद फिर वो कल आया, कल फुटेज लेके गया। हाँ, वो भी शाम को। हाँ, शाम को आके इधर तब ये दुकान का शटर बंद हो गया है, ये दुकान का अंदर चलिए वीडियो फुटेज का जो मशीन है। अच्छा। दुकान के अंदर है, मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा अच्छा। इधर रखा हुआ है। अच्छा, वीडियो फुटेज का। अच्छा अच्छा। हाँ, ये मशीन है यहाँ से। हाँ, मशीन यहाँ से वो पेन ड्राइव से लेके गए कल। हाँ हाँ। फिर क्या हुआ सर? कल लेके गए लेकिन हमको सुबह फोन किए। हाँ, सुबह से लेके अभी तक 5-6 बार मैंने उनको रिक्वेस्ट किए। रिक्वेस्ट करने का बाद उनको बोला सर आप तो वीडियो फुटेज लेके गए लेकिन मेरे को तो दिखाया नहीं। हाँ, हाँ। तो उन्होंने बोला कि आप एक काम करो, मैं मेरा जो टेक्नीशियन है उनसे पूछता हूँ, पूछ के आपको बता रहा हूँ। फिर टेक्नीशियन से उन्होंने बात किया, बात करने के बाद फिर जब मैंने फ़ोन किया तो मैंने को बोला कि आप अभी आ पाएंगे, तो मैं उस टाइम एक्चुअली ये लोकल एरिया में नहीं थे, मैं अपने बहन को ढूंढने के लिए बाहर निकल गए। कहाँ कहाँ ढूंढे सर? हम ब्रेज ब्रिज ढूंढे, हम मेटिया ब्रिज ढूंढे, हम आपका लोकल जो हरवास मोड़ से लेके खिदीरपुर तमाम एरिया पूरा छान मारे, लेकिन हम अकेला है साइकिल लेके। आसपास के लोगों से पूछे? आसपास लोग से पूछे, कोई बोल रहा है हाँ हम ब्रिज का ऊपर देखा है, कोई बोल रहा है कि नहीं ब्रेज ब्रिज में देखा है। हाँ। तो जहाँ जहाँ जो बोल रहा है वहीं वहीं जाग गया और पता लगाने को। इससे पहले भी कभी बाहर चली गई थी क्या? नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं गई वो। कभी नहीं गई? नहीं, कभी नहीं गई। अच्छा। वो इधर ही चुपचाप बैठी रहती थी, मुझे लगता है कि कोई किसी का साथ चले गया, इंसिस्ट किया गया उसको। हाँ, अदरवाइज वो नहीं जाती। आपका किसी से दुश्मनी वगैरह ऐसा? नहीं, दुश्मनी तो ऐसा नहीं है, लेकिन छोटा मोटा जैसे होता है हर एरिया में ऐसे छोटा मोटा तो कुछ रहता ही है, लेकिन उसके लिए इतना बड़ा कोई कुछ करेगा मुझे तो लगता नहीं है। हाँ, हाँ। हाँ, मुझे लगता है सब कोई हमको सपोर्ट करेंगे। हाँ, हम सबसे मदद मांग रहे हैं कि मेरा बहन को जल्द से जल्द रिहा माने। पुलिस का क्या, पुलिस का किस तरीके का रोल रहा सर अब तक का, जो आप कंप्लेन करने के बाद किस तरीके का रोल रहा सर? थोड़ा पहले तो थोड़ा बहुत ही ढीला था। अच्छा। लेकिन अभी आज का दिन देखें, जब उनको बोले सुबह से सुबह एक बार उन्होंने फोन तो पकड़ने नहीं मांग रहा था, फिर 4-5 बार करने के बाद नहीं पकड़ा, तो मैंने पुलिस स्टेशन में फ़ोन किया, फ़ोन करके पूछे कि आलम साहब है, तो बोला हाँ है, हम बोला उनको दीजिए, तो उन्होंने कहा क्या बोलिए सेल फोन में फ़ोन करने के लिए। फिर जब उनको फ़ोन किया तब जाकर उन्होंने फ़ोन पकड़ा और बोले एक काम करिए हम टेक्नीशियन से पूछ के आपको बता रहे। टेक्नीशियन से पूछा तो टेक्नीशियन बोला कि अभी आ जाइए, बोला अभी तो हम बाहर है, जैसे आपको बोला सर कि हम बाहर है बहन को ढूंढ रहा है, तो उनको भी बोले कि हम बाहर है। हाँ, हमको आते आते समय लगा, बोलिए कितना बजे आने सर जगह, तो बोले 8 बजे आ जाओ, तो हम 8 बजे हमको बुलाया, हम 8 बजे जाएंगे वीडियो फुटेज देखने, देखते हैं उसमें क्या है। हाँ, अभी तक का ऐसा कोई किसी भी तरफ से खबर नहीं आया मिलने, कहीं से भी खबर नहीं आया, कहीं से जानकारी नहीं मिला, पुलिस को भी हमको खबर नहीं दिया। हाँ, मुझे लगता है पुलिस अगर चाहे तो दिन ही दिन वो ढूंढ के निकाल सकते हैं। एरिया में कई एरिया में चारों तरफ सीसीटीवी लगा हुआ है और सीसीटीवी फुटेज अगर चेक किया जाए सही ढंग से जितना सीसीटीवी है तो पता चल जाएगा वो कहाँ से किधर से गई और कहाँ से निकली। अच्छा। क्योंकि ये एरिया में पूरा चारों तरफ सीसीटीवी भरा हुआ है,
कोई लोग कुछ बताएं आपको इस बारे में? हाँ बताया, बहुत सारे एक एक आदमी बताया, कोई बताया कि आपका ब्रिज के ऊपर खड़ा है, हाँ, रो के जा रही है, हाँ, ऐसे बताया। अच्छा अच्छा, तो अभी आप क्या अपील करना चाहेंगे पब्लिक से? कुछ अपील? हम पब्लिक से अपील करना चाहेंगे, जो भी मेरे बहन को, पगली बहन को देखे, हाँ, तुरंत हमको इतला दे। मेरा फोन नंबर है 9831633080। ये नंबर में हमको इंफॉर्मेशन दे कि कहीं भी है तो जल्द से जल्द उनको आगा कर दिया जाए, हाँ, तो हम लोग जाके उनको ले आ सकेंगे। ये शीतला मंदिर भूकेला से, हाँ, बड़ी दुख भरी कहानी है, हाँ, कि एक मानसिक संतुलन जिसका है, हाँ, और जो 50 साल उम्र है, वो कैसे ऐसे यहाँ से चली जा सकती है? और 3 दिन तक लापता है, हाँ, आज से लेके 6 दिन हो रहा है। अच्छा, आज से 6 दिन हो, हाँ, गया। 6 दिन हो गया आज, हाँ, लाल कलर का वो नाइटी पहनी हुई है, हाँ, उनका बाल सफेद है और पैर नंगा पैर वो घूम रही है। अच्छा, हाँ, 6 दिन से कुछ खाया कि नहीं खाया ये कोई नहीं पता, हाँ, क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, किसके पास है या किसी का घर में है, हाँ, अगर अच्छा है तो उनको कम से कम रिक्वेस्ट है मेरा कि मेरे घर में वो पहुँचा दे। थैंक यू सर वेरी मच। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ, सर आपका नाम? एस एन सर्किल जी, जो कि अपनी बातों को, अपनी जो इनकी बहन जो खो गई है, टूनी नाम है जिनका, डाक नाम टूनी है, वो 19 तारीख के दिन से, छठ पूजा के दिन से, 3:30-3:30 बजे के करीब से यहाँ वही क्लास शीतला मंदिर के पास से वो खो गई है, और वो अभी तक उनका कोई खबर और कोई पता नहीं मिला है। उन्होंने कंप्लेन भी किया है SPPS पुलिस स्टेशन में, और तमाम जगह जा करके तमाम लोगों से बात भी की है। मैं अपने TLJ के व्यूवर से, लोगों से गुजारिश करूंगा कि अगर आपको जो हमारे यहाँ फुटेज दिखाया गया है इस वीडियो में, हम और एक फुटेज पोस्ट भी कर देते हैं, जो महिला जो खो गई है, अगर आपको वो कहीं भी मिले तो आप ज़रूर नीचे दिए गए हुए नंबर पर इन्हें इत्तला करें। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मैं द लोकल जर्नलिस्ट से मोहम्मद इकबाल अबीब, हमारी ये कोशिश रहती है कि ज़मीन से जुड़े मुद्दे आप तक पहुँचाए। अगर आपको हमारा काम पसंद आए तो हमारे पेज को जाकर के लाइक करें, द लोकल जर्नलिस्ट को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।